नमस्कार, सुराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, जिसमें उसे काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। कांग्रेस सरकार में राज्य के शहर ही नहीं बल्कि गांव भी चमक रहे हैं। वहीं ऐसा हो भी क्यों ना, आखिरकार प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम भूपेश बघेल खुद सभी जगह अपनी नजर बनाए हुए रखे हैं। जहां पर विकट समस्या है वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचकर जनता की परेशानियों को हल कर रहे हैं। वहीं भूपेश सरकार की नरवा गरुवा घुरवा बारी योजना ने तो प्रदेशवासियों, खासकर जो बेहद ही गरीब तबका है, उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे भूपेश सरकार में गढ़ते इसी नए छत्तीसगढ़ को लेकर। गर्वनुमा छत्तीसगढ़ नारे के लिए राज्य सरकार ने एक सूत्र वाक्य दिया है, नरवा गरवा घुरवा और बारी। गांव में तो इस सूत्र वाक्य के साथ विकास को तो किया जा रहा ही है, वहीं इसी सूत्र वाक्य के साथ शहर में स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। शहर में घूमने वाले मवेशियों के लिए भी सरकार एक विकसित ठिकाना तैयार कर रही है, साथ ही घरों से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करके उसे जैविक खाद में तब्दील भी कर रही है। और तो और लोगों को किचन गार्डन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। नरवा गरवा घुरवा और बारी का नारा शहरों में भी आखिर किस तरह साकार हो रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के ही ये चार चिन्हारी। जी हाँ, ये नारा राज्य में हर एक की जुबा पर है। इस नारे के सहारे गाँव के साथ साथ शहर की तस्वीर और तकदीर को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। गांव की तरह शहर के बाहरी हिस्सों में गौठान बनाया जा रहा है। इन गौठानों में सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को रखा जाएगा। राज्य के सभी नगरीय निकायों में सरकार ने गौठान बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर में घूमने वाले मवेशियों का प्रथम चरण में सर्वे का काम चल रहा है। इसमें सरकार की ओर से यह अपील भी मवेशी पालकों से की गई है कि वे मवेशियों को खुला घूमने के लिए न छोड़ें। जन सहयोग से ही शहर को साफ सुथरा बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि लोग इस योजना से जुड़े। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के ये चार चिन्हारी वर्तमान समय की मूल आवश्यकता है और अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो जीवन को नहीं बचाने जैसा ही होगा, क्योंकि आज हम जलवायु परिवर्तन से गुजर रहे हैं। दुनिया में आज मुख्य समस्या जल संकट है। आज केमिकल युक्त खाद्य पदार्थों से अनेक बीमारियां हमें ग्रसित कर रहे हैं। ऐसे में समूचे मानव समाज के लिए यह जरूरी है कि जैविक खाद्य पदार्थ से तैयार पदार्थों का ही सेवन करें। जैविक खाद्य पदार्थों के लिए हमें हमारे पशुधन को बचाना होगा, इसलिए नरवा के साथ हमने गरवा और घुरवा बाड़ी को जोड़ा है। ये चार चिन्हारी असल में आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर इसे हमें नहीं बचा पाएंगे तो यह मानिए पृथ्वी खतरे में है। इसलिए राज्य सरकार नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रख रही है बल्कि इसे शहरों में विस्तारित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में गौठान तैयार किए जा रहे हैं। इससे सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को एक व्यवस्थित जगह मिल सकेगी। बहुत बढ़िया गौठान यहाँ बना है, जिसमें पानी की व्यवस्था है, सोलर पंप भी लगाया गया है, बाड़ी भी किया जा रहा है, जिसमें सब्जियां भी, फल भी और चारा का भी उत्पादन हो रहा है। यहाँ मवेशी रखने लगे हैं लोग और इससे एक यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं और सब अपने हिसाब से सारे प्रबंधन कर रहे हैं। गोबर से न केवल ये गोबर गैस प्लांट लगा रहे हैं बल्कि गोबर से खाद भी बना रहे हैं, वर्मी खाद है, कंपोस्ट खाद, उसके अलावा धूप बत्ती और उपटन भी बनाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी, तो ये जो वो जो हम लोग नारा दिए थे उसके उस दिशा में नाला के भी प्रबंधन कर रहे हैं और मवेशी भी प्रबंधन। राज्य सरकार के मंशानुरूप शहरों में गौठान बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में सबसे पहले शहर में सड़क पर घूमने वाले मवेशियों का सर्वे कराया जा रहा है। वहीं मवेशी मालिकों से यह अपील भी की जा रही है कि वे अपने मवेशियों को खुला ना छोड़ें। वहीं
राजधानी रायपुर के दो स्थानों पर विशाल गौठान तैयार किया जा रहा है। वैसे छत्तीसगढ़ के 13 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 108 नगर पंचायतों में भी गौठान बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महापौर प्रमोद दुबे बताते हैं कि रायपुर शहर में सरकार के स्तुत्र वाक्य को साकार करने दो स्थानों पर गौठान का निर्माण चल रहा है। जैसे ही मवेशियों के सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, सभी मवेशियों को शहर के बाहर बने गौठानों में रखा जाएगा। सड़क पर फिर मवेशी खुले में घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। घुरुआ और बाड़ी और गरुआ तो हमने गौठान बनाने का निर्णय लिया लगभग 20 एकड़ में। इससे पहले हम हमारे शहर में कितने पशु हैं उसके लिए हम पूरा उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और नंबरिंग सिस्टम भी हमने शुरू कर दिया है। अभी एक महीने तक हम इस अभियान को चलाएंगे। लोगों से आग्रह और अपील करेंगे कि वो अपने जानवरों को, जिसकी गाय है वो अपने घरों में रखें, अन्यथा एक महीने बाद हम उन जानवरों को ले जाकर अपने गौठान में रखेंगे, फिर उसे वापस नहीं करेंगे, फिर उसकी पूरी कीमत के आधार पर ही उसको वापस करेंगे। वास्तव में आज शहर में बढ़ते मवेशी जहाँ चिंता का विषय है, वहीं शहर में जल संकट भी बढ़ते जा रहा है। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या रासायनिक खाद से होने वाली बीमारियां भी हैं। ऐसे में सरकार जिस योजना को शहर में मूर्त रूप देना चाहती है, उसमें आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। कैमरामैन श्याम और सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। चलिए आपको दिखाते हैं कि शहर में अभी मवेशियों की स्थिति क्या है और आखिर कैसे शहर के भीतर साकार होते दिखाई दे रहे हैं भूपेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरवा घुरवा और बारी। क्या कहते हैं आमजन और ट्रैफिक पुलिस, साथ ही हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे शहर में बारी योजना का लाभ आप भी उठा सकते हैं। ये नजारा किसी गांव का नहीं बल्कि रायपुर शहर का है। शहर के सड़क पर घूमते मवेशी यहाँ इसी तरीके से आपको दिख जाएंगे, फिर चाहे वह शहर के बाहरी मार्ग हो या फिर अंदर कहीं भी। हालात फिलहाल अभी इस तरह के ही हैं और सिर्फ राजधानी में ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी। इसलिए सरकार अब शहर से लगे बाहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गौठान तैयार करवा रही है, जहाँ खुले में सड़क पर घूमने वाले इन मवेशियों को रखा जा सकेगा। जैसा कि आप इस गौठान को देख रहे हैं, यह राजधानी से लगे कुंडर इलाके की है। इस तरह से एक और गौठान अटारी में बनाया जा रहा है। इन गौठानों में शहर में घूमते मवेशियों को रखा जाएगा। आइए इसे लेकर इलाके के लोग क्या कहते हैं उसे सुनते हैं, फिर आपको सुनवाएंगे ट्रैफिक पुलिस को इससे क्या फायदा होगा। हमारे गाँव में गौठान पिछले एक महीना से बना हुआ है और जितने रोड में गाय घूमते हैं उसको यहीं लाया जाता है और यहाँ देखरेख भी किया जाता है और गोबर से खाद बनाया जाता है और जितने रोड में दुर्घटना होते थे वो अब नहीं होगा। हमारे गांव फुड़हर में गौठान बने हैं और वहाँ गरुआ गाय के संरक्षण बल हमार युवा भाई मल्ला रोजगार दे के मौका मिले हैं। ओकर बाद भूकेश बघेल भैया ला जा रहा हूँ। हमारे ग्राम फुड़हर में पिछले एक डेढ़ महीने से मवेशियों को रखने के लिए गौठान का व्यवस्था किया गया है, जिससे कि लवारिस गाय रोड में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था उसके संरक्षण के लिए गौठान का व्यवस्था किया गया है और हमारे फुड़हर निवासियों जो बेरोजगार थे उनके रोजगार का सुविधा उपलब्ध कराया गया है और नरवा गरवा घुरवा बारी के योजना के तहत भूपेश बघेल को तहे दिल से धन्यवाद। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है नरवा ला बचाए बर बहुत सारा योजना लाए ओकर बाद धन्यवाद। भूपेश सरकार की इस योजना से शहर में विशेष तौर पर फायदा आम लोगों को होगा, क्योंकि सड़क में घूमने वाले मवेशी अक्सर गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं या फिर मवेशियों की वजह से वाहन चालक हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो प्रतिदिन 100 से अधिक दुर्घटनाओं में कई मवेशी मारे जाते हैं, वहीं बड़ी संख्या में जनहानि भी होती है। शहर में यातायात पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती की तरह है, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस भी सरकार की इस योजना को बेहतर मानती है और इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निगम प्रशासन को अपना पूरा सहयोग कर रही है। नगर निगम रायपुर के द्वारा रोड में
विचरण करने वाले समस्त मवेशियों को उठाकर एक विशेष अभियान चलाकर वाहन मतलब मवेशियों को उठा के ले जा रहे हैं। वो जो गांव के जो आसपास के जो गांव गोठान बने हैं वहां पे इनको रखा जा रहा है, और यदि जरूरत पड़ता है तो हम लोग भी उनको समय समय पे निर्देशित करके या समय समय पे निवेदन करके उनको हम जानकारी देते हैं, और सड़कों पे जो मवेशिया वितरण करते हैं उनको लेके जाते हैं, और इस जिससे क्या है कि यातायात जो बाधित होती थी जो अब नहीं हो रही है, इससे आवागमन काफी अच्छा हो गया है। ध्यान रखिएगा कि अभी नरवा की बात नहीं की गई, अभी बात गरवा की हुई है। अब आपको बताते हैं क्या गुरुआबारी शहर में संभव है। तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है। आपको बता रहे हैं कि कैसे गुरुआबारी को निगम प्रशासन और शहरवासी मिलकर साकार करने में जुटे हैं। सबसे पहले आपको शहर में वो घर की बारी दिखाते हैं जहाँ एक बेहतर किचन गार्डन तैयार किया गया है। इनसे मिलिए, यह है डॉक्टर के साहू। डॉक्टर साहू यहाँ अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। पेशे से कृषि वैज्ञानिक हैं, लिहाजा वे खेती किसानी और जैविक खाद की महत्ता को भली भांति समझते हैं। डॉक्टर साहू ने अपने घर में एक सुविकसित बाड़ी तैयार की है जहाँ वो सब्जी और फल उगाते हैं। विशेष रूप से हम देखें कि हमारा जो आधुनिक कृषि है उसमें रासायनिक खाद और दवा का भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है, और उसके बाद जो खासकर जब हमारे उद्यान की फसलें हैं, फल फूल साग सब्जी, उसमें जो विपणन के दृष्टि से उसमें जो एक व्यापारियों द्वारा जो उसको अधिक चमकदार दिखाने के लिए, अधिक दिन तक उसको स्वस्थ रखने के लिए या उसको पकाने के लिए जो रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं, रासायनिक केमिकल का उपयोग करते हैं, उससे निश्चित तौर पे उसके गुणवत्ता में विपरीत असर पड़ता है और अंततः हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत असर होता है। और कई बार तो कुछ जो हानिकारक केमिकल है उससे कैंसर जैसे घातक बीमारियों का भी हमें दो चार होना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम एक गिलहरी की प्रयास, हर गृहस्थ, हर शहर का नागरिक या कस्बों का जो रहवासी है, घर वाले हैं, वो यदि मिलजुल के अपने छत में एक छोटा सा जैविक खेती का, खासकर साग सब्जी फल फूल औषधि पौधे को उगाएं, तो निश्चित तौर पे इन जो विपरीत परिस्थिति है उससे हम लड़ सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों को अच्छा पोषण मिल सकेगा, और जो सुपोषण की समस्या है उसमें भी हम भागीदार हो सकते हैं। खासकर जो मुनगा है, नींबू है, मीठी नीम है, आपका जो बिही है, अमरूद है, पपीता है, ये सब का खेती हम अपने छत में जैसा छत है उस हिसाब से कम ज्यादा रूप में ले सकते हैं। डॉक्टर साहू उनकी पत्नी का कहना है कि सरकार की इस योजना का लाभ लेकर लोग अपने घरों की छतों में एक बढ़िया किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। इससे उन्हें हमेशा ताजा सब्जी और फल मिलेंगे। जैसा कि हमारे घर में तैयार इस किचन गार्डन को देखकर लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जो हमारे घर में छत में जो आप एक प्रकार से फलोद्यान का जो स्वरूप देख रहे हैं, वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा साहू के प्रयास और उसी के लगन का ये परिणाम है, और वो अपने स्तर पे इसका देखभाल करती है और समय समय पे आवश्यकता अनुसार मैं या मेरे बेटा बेटी वो भी समय में उसमें मदद करते हैं। और इसका बहुत अच्छा एक परिणाम ये निकला है कि इसको, इनके कार्यों को देखकर अन्य लोग भी अपने छत का उपयोग, बेहतर उपयोग करने के लिए इस दिशा में आगे बढ़े हैं, जिसके अनेक सफल उदाहरण, चाहे वो स्कूल के छत हो, लोगों के घर का छत हो, उस सब में आज हरियाली देखने को मिल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो योजना चलाई है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसको हमारी महिलाएं इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे अग्रसर कर सकती हैं कि वो अपने स्वयं के छत में यदि इस तरीके की बाड़ी की योजना लगाए इस तरीके से, तो उनका ये जो सपना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये बहुत अच्छी तरीके से साकार हो सकेगा। इसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी होना जरूरी है।
अब सवाल यह है कि जैविक खाद कैसे तैयार होगा? घुरवा तो घर में बनाया नहीं जा सकता। घुरवा तैयार करने के लिए जिम्मेदारी निगम प्रशासन की है। निगम ने इसके लिए कई स्थानों पर SRLM सेंटर तैयार किए हैं। यहाँ घरों से निकलने वाले कचरों को डंप किया जाता है और वहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए जैविक खाद तैयार किया जाता है। इन खादों को आप स्वच्छता दीदियों के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत जैविक खाद आप घर में तैयार कर सकते हैं, जिनमें बचे भोजन, सब्जी, फलों के छिलकों को आप मिट्टी के किसी ड्रम में डालते जाइए और फिर कुछ दिनों बाद वह खाद के रूप में तैयार हो जाएगा। इस तरह शहर वासी भी इस योजना से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं और इस योजना पर गर्व कर सकते हैं। कैमरामैन अखिलेश पवार और सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रबाद नरवा की करेंगे। हालांकि शुरुआत नरवा से ही करनी चाहिए थी क्योंकि नारे में सबसे पहले नरवा ही आता है, लेकिन हमने बात गरबा से शुरू की। दरअसल नरवा का तात्पर्य जल संरक्षण से है। आज विभिन्न कारणों से गहराते जल संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है और पूरा विश्व चिंतित है। भारत जैसा देश जहां पर हजारों नदियां और लाखों तालाब हैं, वहां भी जल संरक्षण पर अब चिंतन मनन हो रहा है। छत्तीसगढ़ जो कि पानी के मामले में अन्य राज्यों से अग्रणी रहा है, वहां भी अब बात वाटर रिचार्जिंग पर हो रही है। भूपेश सरकार भविष्य की चिंता को देखते हुए इसे लेकर बेहद संजीदा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस तरह से इस ओर ध्यान दे रहे हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा बीते जुलाई महीने में आयोजित कार्यशाला का है, जहां विषय विशेषज्ञों के बीच वाटर रिचार्जिंग पर बात हुई है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जल संकट, गिरते भूजल स्तर की समस्या का निदान क्या क्या हो सकता है, इसे लेकर मंथन किया गया। नगरीय प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि हमारे विकास मॉडल में ये एक बड़ी समस्या है, हमें उस समस्या से निजात पाना होगा। उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए नई चीज नहीं है, हमारे पुरखे भी गुजरात और राजस्थान में पानी का संरक्षण करते थे। सबसे अच्छा जल संरक्षण का उदाहरण पोरबंदर में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के घर में है। उनके घर में छत का पानी घर के आंगन में बने कुएं में एकत्र किया जाता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वर्कशॉप आयोजित किया गया था नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा। बहुत बढ़िया आयोजन, इसके लिए मैं मंत्री जी को और विभागीय अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि इसे सबको अमल में लाना आवश्यक है, क्योंकि हम सबके जीवन में पानी सबसे महत्वपूर्ण है और शुद्ध जल सभी को मिले इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। एक आंदोलन, एक अभियान की तरह छत्तीसगढ़ सरकार इसे ले रही है और इसमें सभी के भागीदारी आवश्यक है। महात्मा गांधी के घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है और उसी पानी का उपयोग 12 महीने पूरा परिवार गांधी परिवार करता रहा है। तो ये सैकड़ों साल से परंपरा चली आ रही है, कोई नई व्यवस्था नहीं है और इसका लाभ हमारे पूर्वजों ने इसका लाभ लिया है, तो हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। महात्मा गांधी जी का जो मॉडल है, महात्मा गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उन्होंने पोरबंदर का उनका मकान देखेंगे, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिख उनके यहाँ व्यवस्था पहले से है, कुआं खोदे गए हैं और कुएं के ऊपर ढक्कन लगा दिए गए हैं, वर्षा का पानी उसमें संग्रह होता है, वो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेहतर नमूना है। तो ऐसे हम लोगों को सभी घरों में करना चाहिए। आठों वार्ड में हमने लोगों को आर्किटेक्ट के अलावा और लोगों को इनपैनल्ड करके हमने पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर प्रॉपर काम किया। इसके अलावा जो गार्डन थे हमारे, वहाँ भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया, शासकीय भवनों में, शासकीय आवासों में, इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों में और जितने डिपार्टमेंट के जो भी प्रमुख थे उनको हमने पत्र लिखकर आग्रह किया कि आप अपने यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाइए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के साथ साथ गाँव की गलियों, सड़कों और आंगन में कंक्रीटीकरण कर दिया गया है, जिसके कारण पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। उन्होंने कहा कि लोग अपने आंगन में, कुएं में छत का पानी एकत्र कर सकते हैं, असफल बोर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ सकते हैं,
या छत का पानी जमीन के अंदर डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने घर का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने वर्ष 2001 में ही अपने घर में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करवाई थी। इस गर्मियों में मोहल्ले के बोर में पानी सूख गया, लेकिन मेरे घर में पानी था। मैं अपने घर में लगाया हूं और उसका उपयोग भी कर रहा हूं और उसका अंतर भी दिखाई दे रहा है। मेरे घर में 18-19 साल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने किया था 2000 में और उसका लाभ मुझे मिल रहा है। सरकार की ओर से अब लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर जोर दे रहे हैं। अब नया मकान बनाने से पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बारिश का पानी तालाबों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कंक्रीटीकरण पर रोक लगाई जा रही है। सड़क किनारे जगह पर डामरीकरण नहीं किया जाता, जिससे वहाँ पानी सीधे जमीन के अंदर चला जाए। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया बताते हैं कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 47,000 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अब तक 15,500 भवनों में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल आवर्धन योजनाओं के माध्यम से 3,50,000 परिवारों को उनके घर में नल कनेक्शन देकर पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। निश्चित रूप से एक जागरूकता आएगी प्रदेश के हमारे नगर निकाय के लोगों में और प्रदेश के लोगों में, और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। वर्षा का जल अगर संग्रहण होता है तो निश्चित रूप से गर्मी के दिन में जो पेयजल के स्रोत सूख जाते हैं उससे हम लोगों को राहत मिलेगी। और नगरीय निकाय में जो टैंकर आज चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि टैंकर मुक्त होना चाहिए। इस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ये कार्यशाला इसीलिए आयोजित की गई है कि हम चाहते हैं कि हमारे सारी नगरी निकाय जो टैंकर मुक्त हो और उनको हम सरफेस वाटर के माध्यम से हर व्यक्ति के घरों में नल से पहुंचाकर पानी दें। कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा जो अपने निजी मकान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करते हैं तो उनको कुछ फायदा? निश्चित रूप से जब नक्शे पास कराते हैं तो इसका प्रावधान है और उन लोग इस तरह का काम करेंगे तो उनको पुरस्कृत करने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री ने मन से की है। ऐसे लोगों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह जरूरी है कि वाटर रिचार्जिंग की ओर हम ध्यान दें। इसमें सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर हमें काम नहीं करना होगा, बल्कि बारिश के मौसम में हमें अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा। बरसात के पानी का जल संरक्षण इसका सबसे अच्छा उपाय है। भूमिगत जल स्रोत को बढ़ाने की दिशा में सभी को मिलकर एकजुट प्रयास करने की जरूरत है, तभी हम भविष्य की इस चिंता से मुक्त हो सकेंगे। ऐसे में भूपेश सरकार ने नगरी क्षेत्रों में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी सूत्रवाद को साकार करने की जो कल्पना की है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि यह सही मायने में आज की जरूरत है। जरूरी है कि इसमें आम भागीदारी भी अधिक से अधिक हो, क्योंकि बिना जन सहयोग से शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। कोई शहर तभी पूर्णतः स्वच्छ हो सकता है जब पूरी जनता अपनी स्वयं की भागीदारी उसमें निभाए। केवल नगर निगम के भरोसे में या सरकार के भरोसे में सारी चीजें होना यह संभव नहीं है। हमने इसके लिए एक्शन प्लान बनाकर काम किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो अभियान चलाया कि नरवा गरवा घुरवा बारी, इसके थीम में अगर जाते हैं तो नरवा में पानी को बचा करके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमने मजबूत तरीके से अपने वाटर लेवल को मेंटेन किया। आज 600 फुट नीचे में पानी मिलता था, अब कम से कम रायपुर शहर का जो लेवल है ये 2 सालों में लगभग 300 फुट तक आ चुका है। फिलहाल सरकार जिस उद्देश्य से काम कर रही है, शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में, उस दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ते नजर आ रहा है। उम्मीद है हमारा छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा। कैमरामैन रेख राम और सहयोगी सत्यपाल सिंह के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।